हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट न्यूज़ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के बारे में। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, यूएन ने क्या कहा है, पूरी जानकारी लेंगे विस्तार से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 80% हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हाल ही में वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इस रिपोर्ट को यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा वियना में जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी कि 2020 में दुनिया भर में ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद लगभग 2,75,00,000 रही है, यानी कि 275 मिलियन। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई देशों में कोरोना वायरस महामारी के दौरान भांग के उपयोग में भी वृद्धि देखी गई है। भांग को अंग्रेजी में कैनाबिस के नाम से भी जाना जाता है। इस अवधि में फार्मास्यूटिकल्स दवाओं के गैर चिकित्सकीय उपयोग में भी बढ़ोतरी देखी गई है। बीते 24 सालों में दुनिया के कुछ हिस्सों में कैनाबिस पोटेंसी 4 गुना तक बढ़ गई है, यानी कि लोग भांग का इस्तेमाल 4 गुना तक ज़्यादा कर रहे हैं। नवीनतम वैश्विक अनुमानों के अनुसार 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच के लगभग 5.5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीते साल कम से कम एक बार ड्रग्स का उपयोग अवश्य किया है। ड्रग्स का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या के 13% लोग ऐसे हैं जो ड्रग यूज डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, यानी कि ड्रग्स कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो आपको फ़ायदा करेगी। और वैश्विक स्तर पर 11 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा ड्रग्स के इंजेक्शन लेने का अनुमान है। इनमें से आधे लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और नशे की हर चीज़ से दूर रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।